पंक्तियाँ इनको देती हूँ मैं इनके सम्मान में कि सिक्का हमारे देश का खोटा निकल गया सिक्का हमारे देश का खोटा निकल गया जितना बड़ा था उतना ही छोटा निकल गया जितना वो शख्स ही अनूप जलोटा निकल क्या बात है वाह 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 जलोटा निकल गया अब बेपेदी के घर का हर लोटा निकल गया बेपेदी का हर घर का ये लोटा निकल गया अब पिंजरे से यहाँ उड़ के ये तोता निकल गया और अभी अब आपने कविता पढ़ी कुछ इस तरह से देखो सुनकर के यहाँ का दो चार श्रोता निकल गया जी बिल्कुल निकल ही जाने चाहिए जिनको समझ में ना आए कविता सबके बस की बात नहीं है निकल ही जानी चाहिए पंक्तियाँ निवेदित हैं आप सुनिएगा कि एक दिन रात करने वाली थी एक दिन रात करने वाली थी बहुत अच्छे रुचि मान जज्बात करने वाली थी मान जज्बात करने वाली थी तूने मुझको बचा लिया वरना वाह वाह खुद को शुक्रात करने बहुत सुंदर खुद को शुक्रात करने मुकदमा भी मैं सही नहीं है हां ये भी बोलो तो बताइए हेलो दादा इतनी बहुत अच्छे तेरी आंखों में पनपते हुए ख्वाबों सी मैं तेरे रंगीन सवालों के जवाबों सी मैं तेरे रंगीन सवालों के जवाबों सी मैं लेके आई जो हवा तेरे बदन की खुशबू बहुत अच्छे रुचि तब से हर रोज महकती हूँ गुलाबों की तरह वाह भाई वाह तब से हर रोज महकती हूँ गुलाबों सी मैं भी और मोहब्बत का एक अंदाज ये भी कि बाहर हुस्न फिजा जाम बुरा लगता है बहुत अच्छे बाहर हुस्न फिजा जाम बुरा लगता किसी के साथ तेरा नाम बुरा लगता है किसी के साथ तेरा नाम बुरा लगता है ये तो सच है तेरा आगाज खूबसूरत है ये तो सच है तेरा आगाज खूबसूरत है ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम बुरा लगता है ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम बुरा लगता है और क्या नाम क्या है एक नारी जब किसी को प्रेम करती है तो किस तरह करती है आपके मध्य रखती हूँ हालांकि सविता दीदी ने प्रेम के जो उदाहरण दिए ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती मैं प्रयास करती हूँ सुनिएगा हमारे बीच में पंडित राम अभिलाख तिवारी जी बैठे हैं बिल्कुल आपके ये कह रहे हैं रुचि जी के मुक्तक सुनकर हम जवान होते जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं अगर ये जवान होते जा रहे हैं तो आप लोग एक जोरदार तालियां बजा दीजिए
क्योंकि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर जीव मचल गया। बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर जीव मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद ना करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। फिर भी कुछ रस बचा है और थोड़े रस और बढ़ा रहे हैं रुचि द्विवेदी। प्रीत ना ऐसी कीजिए कबहू ना होवे बेल, प्रीत ना ऐसी कीजिए कबहू ना होवे बेल, हनी प्रीत के प्रेम में बाबा गए हैं जे। कमाल हो गया, जब बहुत बढ़िया कहा, यही लाके सुधार भी नहीं बिगड़न जात रहे। ए देखिए प्रधान जी जीत बहादुर जी बैठे हैं, तू हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, दोनों कोट पाई के प्रधान बनेगा। भैया अजीत बहादुर भैया को प्रणाम करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये एक दोहा और सुनाई दे, तू अगर धरे हो तो। श्रेष्ठ पंक्तियां हैं आपके मध्य रखती हूँ, वाला फरमाइश पूरा करना है हाई कोर्ट वाला। शिकायत भी तेरी इबादत भी तेरी, जीती रहो रुचि जीती रहो। शिकायत भी तेरी इबादत भी तेरी, बहुत मैं खुद कर रही हूँ वकालत भी तेरी, मैं खुद कर रही हूँ वकालत भी तेरी, मेरे हक में हो फैसला भी तो कैसे, मेरे हक में हो फैसला भी तो कैसे, मुकदमा भी तेरा अदालत भी तेरी। वाह बहुत अच्छे रुचि, फिर से दोहरा दीजिए इन पंक्तियों को, फिर से पुनः इन पंक्तियों को। मुकदमा भी तेरा अदालत भी तेरी। ए वकील साहब बैठे हुए हैं, हाँ आपके नाम। बहुत बहुत आभार। देखिए ओम प्रकाश शुक्ला जी बैठे हो, कह रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वकील वकील है, वकील वकील है जो वकील के झील में कई मील तक कील गाड़ के उसको सील कर देता है, तो उसको अपील और दलील के साथ फिर गुडफील तक ले जाता है। तो वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब, कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठ के पूछते हैं वकील साहब वाला हमारा वाला केस चला रहे हैं, बंद कर दिए, ये अनवर चलने वाली जिंदगानी में बहुत चाहतों के सदमे हैं। उहे वाला यहूं मुकदमे आए दादा, मुकदमा यहूं बा ओके फिर से पढ़ दे नहीं तो मुकदमा। जिंदगानी में बहुत चाहतों के सदमे हैं, खुदा का शुक्र है अपनी तो बहुत हद में है, खुदा का शुक्र है अपनी तो बहुत हद में है, भला उस बेवफा की पैरवी करूं कैसे, भला उस बेवफा की पैरवी करूं कैसे, मेरे वजूद पे खुद ही बहुत मुकदमे है। बहुत अच्छा, मेरे वजूद पे खुद ही बहुत मुकदमे है। बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। शिकायत भी तेरी इबादत भी तेरी, शिकायत भी तेरी इबादत भी तेरी, मैं खुद कर रही हूँ वकालत भी तेरी, मैं खुद कर रही हूँ वकालत भी तेरा अदा।
धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वाह रुचि, वाह। दादा ने आपकी बार लोकगीत सुनने को बोला था और मैंने पूरी तैयारी के साथ लोकगीत तैयार किया और आपके मध्य रखती हूँ, आपका पूरा पूरा समर्थन चाहिए। स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो बंद करके मैं ट्रैक चेंज कर दूंगी। जी स्वागत है। अंतिम लोकगीत, हाँ अंतिम लोकगीत, आपके दिल्ली बम्बई। एक महिला है जिसका पति प्रदेश कमाने के लिए जाता है, तो महिलाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक उड़ती हैं और दूसरा है कि ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जल्दी जल्दी इनकी तरक्की हो। पंक्तियां निवेदित हैं कि जा के दिल्ली बम्बई बसत अनारी बढ़ई मोरा परदेसिया, जा के दिल्ली बम्बई बसत अनारी बढ़ई वाला ले। हाँ देखें भैया, द्विवेदी जी हैं, इनके साथ भी वैसे घटना घट रही जैसे आप कहा था कि अब केहू न ताना मारी बढ़ई मोरा परदेसिया, कि भोरे भोरे उठ सूरज के देनी आगर पानी, भोरे भोरे उठ सूरज के देनी आगर पानी, घंटों माथ नवाई चौरा तोहरे शीतल रानी, सांझे के सांझे तुलसी के दिया ना बारी बढ़ई मोरा परदेसिया। कमाल हो गया, कमाल, वाह। देखिए सविता जी वो माला फंसा हुआ है, आप उसको ना उठाइए। अच्छा लीजिए, सारी मस, अरे हम क्या करें, ठीक है वो ना ही पहले भी इतना बढ़िया हम बोला थे, एक जाए हम को गलती से पहले आए थे। अरे ना ही दीदी, आज ऐसी कैसी बात करते हो, तो मंची हंसी मजाक है मगर रुचि तो बढ़िया पड़ रही है, बिल्कुल नया गीत है, पहली बार सुन रहे। तुलसी के दिया ना दिल्ली भई सुनी भई अंगन घर बारी सुनी लगे सजरिया, सुनी लगे अंगन घर बारी सुनी लगे सजरिया, कुल देवता दिगपाल बलम के नित नित बढ़े उमिरिया, हाली के हाली बैठे सफल सफलता की डारी। और धीरे धीरे जब पत्र व्यवहार बंद हो जाता है, कई महीने गुजर जाते हैं, तो लोग एक पत्नी से एक औरत से तमाम तरीके के सवाल करते हैं, आपके मत रखती हूँ कि चार माह से आई न पाती दूभर होएगा जीना, चार माह से आई न पाती दूभर होएगा जीना, एक तो पीपर दे पूछत तिखारी तिखारी पढ़ई मोरा परदेसिया, क्या बात है, पूछत तिखारी